आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हैं जनपद फतेहपुर से। नशे में धुत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल, ग्रामीणों ने काटा जमकर हंगामा। बजईपुर विकास खंड के तिलकपुर मजरे में कुकरा प्राथमिक विद्यालय का मामला, ये वीडियो वायरल हुआ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं हम आपको ये वीडियो। सर जी आपका नाम नहीं बता रहा, कितना कितने क्वार्टर दिया? लगाया मालक एनसीसी। अच्छा पीके खाली रूम में बैठे रहते हैं ना, और कुछ नहीं बोलते ना? नहीं नहीं, पढ़ाते पढ़ाते हैं, दारू पीके मस्त रहते हैं। आइए दोस्तों लेते हैं अगली खबर को। प्रसिद्ध विद्यालय में पिछले साल के ड्रेस जूते मोजे कमरे में मिले, प्रधानाध्यापक ने कही यह बात। तो इस तरह की समस्या दोस्तों आए दिन विद्यालयों में देखने को मिलती है, और निश्चित रूप से इस खबर को देखने के बाद आप अलर्ट हो जाएं। निवाड़ी कला बुधवार को महेवा बीईओ दीपक अवस्थी ने ब्लॉक के कई प्रसिद्ध विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुशगवा ईरान विद्यालय में अनियमितताएं मिली, अभिलेखों से लेकर खाद्यान्न में गड़बड़ी मिलने पर विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। प्राथमिक विद्यालय कुशगवा ईरान में 102 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, मौके पर सिर्फ 33 ही मिले। बीईओ के निरीक्षण के दौरान बीते साल के 36 जोड़ी ड्रेस, 30 स्वेटर, 6 बैग, 2 दर्जन जूते मोजे और करीब 2 क्विंटल गेहूँ कमरे में पड़ा मिला। वहीं एमडीएम रजिस्टर, पासबुक, एसएमसी रजिस्टर समेत प्रमुख अभिलेख भी विद्यालय में नहीं मिले। प्रधानाध्यापक ने रजिस्टर अपने घर पर होने की बात बताई। बच्चों के पुस्तकालय के लिए आई पुस्तकें और खेलकूद का सामान भी बोरियों में पैक मिला। बीईओ ने मौके पर ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, पंचायत सचिव और राशन डीलर से पूछताछ की तो पता चला कि विद्यालय में बीते 2 वर्ष से रंगाई पुताई सहित खाद्यान्न का वितरण तक नहीं किया गया। जो सामग्री विद्यालय में जब्त की गई है वह बीते वर्ष की है। विद्यालय में बीते 10 तारीख से बच्चों की हाजिरी तक नहीं चढ़ाई गई थी। लापरवाही के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य इमरान खान कोई उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सके। बीईओ दीपक अवस्थी ने बताया कि सारे अभिलेख जब्त कर उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। ऐसे विद्यालय ब्लॉक की शिक्षा को खराब कर रहे हैं, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय में 8 अध्यापकों के बीच सिर्फ 4 डायरी मिली, जिसमें से 1 अध्यापक के कोई अभिलेख ही नहीं मिले। दिलचस्प बात रही कि जिस डायरी को प्रतिदिन भरा जाना चाहिए उसमें जानकारी तो दूर की बात, नाम आदि भी नहीं लिखे गए थे जिन्हें बीईओ ने वहां मौजूद लोगों को दिखाया। दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। घटिया पढ़ाई पर स्कूल के सभी अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों के नवंबर माह का वेतन मानदेय रोके जाने का निर्देश जनपद बांदा से यह खबर है। दोस्तों जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बुधवार को प्रशासन पोषण पाठन अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय डिंगवाही का निरीक्षण किया और बच्चों को पढ़ाया है। इस दौरान अधिकांश बच्चे 100 तक की गिनती नहीं सुना पाए, जिसे सभी अध्यापकों का माह नवंबर का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा कक्षा 1 व 2 के छात्रों से गिनती सुनी गई। अधिकांश छात्रों द्वारा मात्र 10-20 तक की गिनती सुनाई गई। केवल 2 बच्चे 100 तक की गिनती सुना पाए। इसी तरह कक्षा 5 के छात्रों से पहाड़ा सुना गया, जिसमें 66 में से मात्र 21 छात्रों द्वारा ही 20 तक पहाड़ा सुनाया गया। शेष छात्रों को पहाड़ा नहीं याद था, तथा उक्त कक्षा के छात्र गणित विषय में काफी कमजोर पाए गए। कुछ छात्रों से 5 करोड़ लिखने को कहा गया, किंतु अधिकांश छात्र नहीं लिख पाए। मात्र 1 छात्र कोमल ही सही लिख पाई। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा प्रशासन पोषण पाठन अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय डिंगवाही का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मीनू के मुताबिक पाया कि बच्चों को खिचड़ी एवं दूध दिया जाना था, किंतु बच्चों को मात्र खिचड़ी ही दी जा रही है, दूध उपलब्ध नहीं कराया गया। विद्यालय के शौचालय बहुत गंदे तथा वॉश बेसिन में पानी की सप्लाई नहीं थी। खेल सामग्री कक्ष में ताला बंद पाया गया। विद्यालय में पाई गई कमियां एवं पठन पाठन की प्रक्रिया अत्यंत खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, तथा सभी अध्यापकों का माह नवंबर का वेतन रोकने तथा शिक्षा मित्र का मानदेय रोके जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद के 202 विद्यालयों में लगाए गए 101 जिला स्तरीय अधिकारियों ने वैक्सीनेशन कराया और विद्यालयों में पठन पाठन के कार्य को परखा गया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। 1100 रुपए के लिए सुबह से शाम तक घनघना रहे शिक्षकों के फोन, शिक्षक परेशान। ठंड बढ़ती जा रही है, अब भी जिले के प्रसिद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 1,00,000 बच्चों को ड्रेस, बैग, स्वेटर और जूते मोजे का इंतजार है। शासन के निर्देश के बावजूद अब तक 1,22,000 विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में ही धनराशि प्रेषित की जा सकी है। ऐसे में शासन ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 30 नवंबर तक धनराशि प्रेषित करने का निर्देश दिया है। इसके बाद से विभाग ने छात्रों के आधार कार्ड के सत्यापन के काम में और तेजी लाई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सनत कुमार सिंह ने बताया कि डीबीटी शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गई है। पहले डाटा एंट्री में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण शिक्षकों को परेशानी हुई थी,
अब पैसे को लेकर पूछताछ से शिक्षक परेशान है। सुबह से शाम तक शिक्षकों के फोन घनघना रहे हैं। कई अभिभावक तो बच्चों के नाम फीडिंग न करके भेजने की शिकायत भी शिक्षकों से करने लगे हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।